मोमबत्तियाँ बुझ गई, चिराग तले अंधेरा छाया था। मोमबत्तियाँ बुझ गई, चिराग तले अंधेरा छाया था। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। गाते हुए तीनों वीरों ने फांसी के फंदे को गले से लगाया था। तीनों वीरों ने फांसी के फंदे को गले से लगाया था। ना मिला दर्जा शहीद का, ना मिला दर्जा शहीद का। इतिहास ने भी आज़ादी की गलत कहानी सुनाई थी और भूल गए आज़ादी तीनों की। और कहते हैं कि चरखे से आज़ादी आई थी, और कहते हैं कि सिर्फ चरखे से आज़ादी आई थी। मैं शुरुआत करूंगा एक शायरी जो आर्मी की तैयारी करते हैं उनके लिए, कि बहुत बना लिए महल ख्वाबा गए, कि बहुत बना लिए महल ख्वाबा गए, वो सारे पूरे करके दिखाऊंगा तो कीन राखिए तेरे छोरे पे बाबू। कि बहुत बना लिए महल ख्वाबा गए, वो सारे पूरे करके दिखाऊंगा तो यकीन राखिए तेरे छोरे पे बाबू। एक बार रेस पैड़ का नाम गला फौजी लिखा कर करना आऊँगा। और मैंने ना एक पोइट्री लिखी है भगत सिंह पर, तो 28 सितंबर 1907 को आंखों में एक अलग सी चमक लेकर इस धरती पर एक बालक आया था, वो भगत सिंह कहलाया था, वो भगत सिंह कहलाया था। जब सब बच्चे खेल खेलते थे उसको आज़ादी प्यारी थी। 12 साल की उम्र में देखा जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसके अंदर उठी क्रांति की एक चिंगारी थी। छोड़ दिया घर बार उसने, देश को माना उसने अपना था, फांसी पर झूल गया, देश आज़ादी का उसका सपना था। संसद पर भी किया हमला, सैंडर्स को भी किया ढेर था, वो ईसा भगत सिंह शेर था। जो सोचा था भगत सिंह ने वो अंजाम आया था। जब 7 अक्टूबर 1930 को अदालत ने तीनों को फांसी देने का फैसला सुनाया था। मोमबत्तियाँ बुझ गई चिराग तले अंधेरा छाया था। मेरा रंग दे बसंती चोला। गाते हुए तीनों वीरों ने फांसी के फंदे को गले से लगाया था। ना मिला दर्जा शहीद का। इतिहास ने भी आज़ादी की गलत कहानी सुनाई थी और भूल गए आज़ादी तीनों की। और कहते हैं कि चरखे से आज़ादी आई थी, और कहते हैं कि सिर्फ चरखे से आज़ादी आई थी। धन्यवाद। वसित ने लिखे।